गुड मॉर्निंग क्लास, दैट लीव्स यू ओनली फॉर द क्लास 11, क्लास 9, केमिस्ट्री चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इन दिस चैप्टर वी जस्ट टू डिस्कस इन पार्ट 1 सम टॉपिक्स. दीज आर ड्राइविंग हियर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अबाउट एटम्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एंड मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फॉर्मूला. These are very important formula because that part explain the base of the chemistry. Class 9 से हमारा base start होता है और ये class 10, 11 और 12 के लिए बहुत important होता है. So I just explain in a video these topics. You listen carefully. मैं आपको पूरा ये topic explain कर दूँगा. आपको बस ध्यान से सुनना है ये topics. सबसे पहला part है हमारा law of chemical formation. हम one by one बात करते हैं. यदि हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी बहुत छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है. इतने छोटे मॉलिक्यूल्स का साइज होता है जिन्हें हम चेक नहीं कर सकते. यानी हम जनरल अपने नेक्ड आइज से, नॉर्मल आइज से उन एटम्स और मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते. हर एलिमेंट की बात करें, केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. उन एलिमेंट्स में एटम्स प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग स्टेजेस में हमारे मैटर प्रेजेंट हैं, जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. कुछ एलिमेंट हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं जिनमें कि जनरली मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो मोस्टली, यदि हम मरकरी को छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं. बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन नॉन मेटल में आता है और मरकरी मेटल में आता है. और गैस भी हमारी बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारी नोबल गैसेज हैं जिनमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन. और इसके अलावा हमारी और भी जनरल गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसेस हम यूज करते हैं. अभी तक केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है और उन एलिमेंट्स को बहुत लेंथी फॉर्म में बताया गया है. बट आपको उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़कर सबसे पहले इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना है. मैं आपको एस्टन बुक की हेल्प लेते हुए ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहला हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट लॉ हैं केमिस्ट्री में जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इन तीन लॉ में से आपके सिलेबस में दो लॉ हैं, उन दो लॉ को आपको अच्छे से स्टडी करना है. सबसे पहला लॉ है हमारे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी हम मास के ऊपर बात करें. बच्चों यदि हम किसी भी कंपाउंड का बात करें, जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या हम कुछ चेंज करते हैं तो वहां पर मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय. हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है लगातार, तो फिर अर्थ का मास क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा, उतना ही क्यों है? अर्थ अपना मास बैलेंस रखती है. जैसे मैं यदि हम बात करें तो जब हम बॉर्न होते हैं तो समथिंग उस समय बेबी का वजन होता है 2.5 kg, 3 kg हो सकता है, और जब हम मरते हैं तो उस समय हमारी बॉन्स का वेट भी समथिंग इतना ही होता है. यानी हम जितने पैदा हुए थे उतने ही हम मरते समय भी हमारा वजन होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा दिया गया था वो दिया गया था एंटोनियो लेवेशियर ने 1774 में. उन्होंने अपने स्टेटमेंट किया दिया कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. और यही फॉर्म हम एनर्जी के लिए कहते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बट ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और इसके ऊपर हम एक छोटा सा पॉइंट देते हैं. मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट लिया वाटर मॉलिक्यूल. अब वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना? दो हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा. इन दोनों का सेपरेटली मास जो भी होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. यानी हम अपनी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहें तो जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है रिएक्टेंट ईयर से. और रिएक्टेंट के बाद कौन फॉर्म होता है? प्रोडक्ट. इट मींस कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए. इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट.
इस स्टेटमेंट इतना आपको स्टडी करना है। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में लेंगे तो उन केमिकल रिएक्शन में जब हम उनके एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्टेंट की जो मास होगा वही प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बच्चों ये चीज़ आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 11th में आप दोबारा से पढ़ेंगे, वही सारा बेसिक में पढ़ेंगे। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था वो दिया था लुईस प्रोस्ट ने। लुईस प्रोस्ट ने इस लॉ को 1779 में दिया था। इसमें कुछ अलग अलग ईयर में एक्सेप्शन हैं बट आप 1779 लर्न कर सकते हैं क्योंकि यही एनसीईआरटी में और एसचैन बुक में दिया हुआ है। इस लॉ में क्या कहा था, जैसे ही मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया था तो वाटर में जो कंपाउंड है उसमें हमारे एटम्स होते हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। उन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में एक फिक्स रेशियो है। हम बॉडी में जितना भी कंपाउंड हमारे प्रेजेंट है बच्चों हम कैसे बताते हैं, हम बताते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है और तो 70% या 77% वाटर प्रेजेंट है तो हम एक रेशियो ही तो बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लुईस प्रोस्ट ने किसी भी केमिकल फॉर्मूले के लिए एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि यदि कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड करेंगे वो एक फिक्स रेशियो में होंगे और वो रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा। सो यू कैन से दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब सिंपल सी बात है बच्चों, देखो जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे हम उन्हीं का रेशियो बताएंगे। जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, और भी एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड। बच्चों कॉमन सॉल्ट देखो आप सभी यूज करते हैं, उसमें हमारे 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है सोडियम और दूसरा होता है क्लोरीन। इन दोनों एलिमेंट से मिलकर बनता है हमारा कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक, और इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पजेज में। कॉमन सॉल्ट में हमारे 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन का जो मिलकर फॉर्मूला बना है सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स दिस फॉर्मूला और केमिकल कंपाउंड विल फॉर्म बाय द सेम एलिमेंट एंड इन अ फिक्स रेशियो ऑन द बिहाफ ऑफ द मास। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेकंड पॉइंट में। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है भाई, जैसे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म किए गए तो डाल्टन ने उन लॉ के बेस पर कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए और वही स्टेटमेंट आगे चलकर पूरी केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किए। उन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट दिए हम वन बाई वन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स। यानी पहला स्टेटमेंट हमें डेफिनेशन में लें, एटम्स क्या है, एटम्स वो हैं जो किसी भी मैटर को प्रिपेयर करते हैं और बहुत छोटे छोटे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी वी कैन नॉट चेक बाय द जनरल आइज और नेक्ड आइज दैट एटम्स आर प्रेजेंट इन अ इंडिविजुअल कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एटम्स तो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। देखो आपने यदि सॉइल को लिया, सॉइल का छोटा सा पोर्शन आप लिया तो आपको देखेगा कि वहाँ पर कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हम सॉइल की बात करें, कोई भी कंपाउंड लें तो उनमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वही कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। हम यदि हम छोटी छोटी सी बात करेंगे तो जैसे कि हमारी बॉडी में हम बात करें, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, बॉडी के पार्ट्स भी प्रेजेंट हैं, और वो भी जो बने हुए हैं वो मिनरल्स से बने हुए हैं। जैसे बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके जब टीथ निकलते हैं तो उन्हें कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है। इसका मतलब हमारे जो टीथ होते हैं वो कैल्शियम से फॉर्म होते हैं, फास्फोरस से फॉर्म होते हैं और वही हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसीलिए बच्चों को कैल्शियम और फास्फोरस की टैबलेट्स दी जाती है। सेकेंड पॉइंट, एटम्स कांट बी डिवाइडेड। एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये उस समय की कंडीशंस थी जब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन्होंने क्या बताया कि हम एटम्स इतने छोटे छोटे होते थे तो उन्होंने क्या कहा कि एटम्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते। थर्ड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो देखो सिंपल से टर्म है, ना तो एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम्स बहुत तरह के हो सकते हैं, हमने तो देखे नहीं है ना, तो एटम्स को हम यदि सही से देखेंगे
जितने टाइप के एलिमेंट उतने टाइप के एटम्स एक जैसे हो सकते हैं उनके स्ट्रक्चर, पर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. देर आर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर एज एलिमेंट, यानी जितने एलिमेंट्स हुए, जैसे कि आयरन के अलग हो सकते हैं, गोल्ड के अलग हो सकते हैं. बच्चों एक जैसे होते तो हम आयरन को गोल्ड की जगह रखते थे, गोल्ड को आयरन की जगह रखते थे, है नहीं बात. हम यदि मेटल्स की बात हम करें तो हम भाई प्लेटिनियम है, गोल्ड है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं. हम उनकी जगह यदि उनके एटम्स सेम होते तो हम उनकी जगह एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते थे, उनकी जगह यूटिलाइज कर सकते थे. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी एलिमेंट्स में प्रेजेंट जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, उनके साइज सेम होंगे, उनका मास सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यदि दो अलग अलग डिफरेंट या उससे ज्यादा अलग एलिमेंट्स हम लेंगे तो उनके एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका साइज डिफरेंट होगा, उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. नेक्स्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स consist in the joining together of atoms of these element to form molecules of compound. कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो या उससे ज्यादा एलिमेंट को एक केमिकल कंपाउंड में बदलने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनका एक फिक्स रेशियो लिया जाता है और वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है. यानी हम लॉ का आगे कहां पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यही तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में कहा था उसने कि जब हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो उसमें वही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं और मास पर डिपेंडेंट करते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. हमारे नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड. यानी किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो फिक्स होंगे. ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स ऑफ कंपाउंड. यानी उस कंपाउंड में यदि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म होंगे तो वो एक फिक्स होल नंबर होंगे उन कंपाउंड के अंदर. लास्ट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. यानी एक जैसे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही कंपाउंड बनाएगा, एक से ज्यादा भी बना सकता है. जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट ये कंपाउंड अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, वाटर की प्रॉपर्टीज अलग है. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके ड्रॉबैक्स. बच्चों आपको पता है कि जब हमारा पहला लॉ दिया था, पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी. कौन कौन सी कमियां होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट कमी थी कि जब हमारी और रिसर्च की गई एटम्स पर तो एटम्स हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में और डिवाइड हो गए, जिन्हें हमने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उनमें थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. दूसरी इंपॉर्टेंट थी कि हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे जिनके मास डिफरेंट थे बट वो एक ही एलिमेंट से कैटेगरी करते थे. यानी कि उनके एटॉमिक नंबर सेम थे, एलिमेंट सेम थे बट एटॉमिक मास डिफरेंट थे, जिन्हें हम कहते थे आइसोटॉप्स. ऐसी ही आइसोबार्स. एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया है कि भाई हर एलिमेंट का, हर एक का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, बट जब आइसोबार की बात करी गई तो वहां पर सारे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट थे उनके एटॉमिक मास कैसे थे, कुछ के सेम थे. तो आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट बात करते हैं. जॉन डाल्टन ने इसी थ्योरी के बेस पर एटम्स को डिफाइन किया कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. यानी जैसे हमारे घर में, हमारा जब घर पूरा बनता है तो बच्चों आपको पता है बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि आप ब्रिक यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, स्टोन यूज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं. सिमिलरली किसी भी कंपाउंड के प्रिपरेशन में छोटे छोटे एटम्स का यूज करते हैं और तब वो कंपाउंड पूरा प्रिपेयर होता है. ठीक है बच्चों, हमारे एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है. हम एटम्स के साइज को या तो नैनोमीटर में या पीकोमीटर में बताते हैं. तो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है
टेन पावर माइनस नाइन मीटर। ठीक है बच्चों, ये बहुत स्मॉल साइज होता है, इसी साइज में एटम्स को हम मेजर करते हैं। एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। यदि हमें एटम्स को देखना है तो बच्चों एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम एटम्स को देख सकते हैं। वो बहुत ब्रीफली एटम्स को बता सकता है, उनके बहुत ज़्यादा फ्रेम्स होते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स के प्रेजेंट एटम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब बच्चों देखो, आपको भी घर पर अलग अलग नाम से बुलाते होंगे लोग, कोई चिंटू कह देता होगा, कोई पप्पू कह देता होगा, कोई भाई कह देता होगा, कोई कुछ कह देता होगा, कोई कुछ कह देता होगा, यानी कि हर एक को अलग अलग नाम से पुकारेंगे। तो इसी बेस पर एलिमेंट्स जब डिस्कवर होते गए, नए नए बनते गए, तो उन्हें अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले डाल्टन ने अपने सिंबल सिस्टम को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने अलग अलग सिंबल से अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स में दे रखे हैं जिनमें हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लीड, मर्करी, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया था। और इसके बाद ये थ्योरी जे जे वर्जीलियस ने दी थी, उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि एक नाम दिया कैल्शियम, जैसे कि उन्होंने दिया कैल्शियम, तो उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट का फर्स्ट सिंबल को एलिमेंट के सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं। यानी उन्होंने अल्फाबेट्स को किसी भी एलिमेंट के सिंबल की फॉर्म में यूज किया। अब बच्चों कंडीशन क्या थी कि जब एक ही नाम जैसे दो है, जैसे कि कैल्शियम के अलावा एक और कंपाउंड लिया कार्बन, अब हम कार्बन को सी से रिप्रेजेंट करें या कैल्शियम को, तो उन्होंने कुछ कंडीशन दी कि जब हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर यूज करेंगे, अदरवाइज दूसरा लेटर यूज करेंगे। बट ये थ्योरी सारे एलिमेंट्स के लिए इजीली विजिबल नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके नेम सेम थे, तो उसके लिए दिया गया मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। उन्होंने तीन कैटेगरी अलग अलग डिवाइड की, और ये आपको भी पता होना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी, जो एलिमेंट पीछे की तरफ खोजे गए थे, डिस्कवर किए गए थे, उन्हें सबसे पहले बेसिक नेम दिए, यानी फर्स्ट अल्फाबेट से बताया गया। फिर उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके लिए हमने टू लेटर्स यूज किए, जैसे कि हम कैल्शियम के लिए यूज करते हैं सी ए और कार्बन के लिए यूज करते हैं सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक तीसरी कंडीशन और दी, जैसे कि सोडियम, एन ए की बात करेंगे। अब बच्चों सोडियम को हमने एन ए क्यों दिया, क्योंकि इस एलिमेंट की जो लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है वो होता है नेट्रियम, तो नेट्रियम से उन्होंने वर्ड दिया एन ए। ऐसे ही सिल्वर को हम कहते हैं ए जी, क्योंकि सिल्वर का जो अल्फाबेटिकल जो आपका लैटिन लैंग्वेज नेम है वो है अर्जेंटियम, तो उससे उन्होंने वर्ड लिया ए जी। इस तरीके से तीन टाइप से सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया, सबसे पहले फर्स्ट लेटर से, देन सेकंड लेटर आल्सो यूज, एंड इन द लास्ट लैटिन लैंग्वेज यूज फॉर द गिविंग द नेम ऑफ द एलिमेंट और द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास। बच्चों कार्बन हमारा बेस एलिमेंट था, सबसे ज़्यादा यूज किया गया, तो एलिमेंट्स को जो एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया गया वो कार्बन के बेस पर। उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी कि एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू इज इक्वल्स टू, ए एम यू इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन स्मॉलेस्ट यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम्स, क्योंकि कार्बन में 6 आपके प्रोटॉन प्रेजेंट थे, 6 आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे, इसीलिए उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने कार्बन के बेस पर डेफिनेशन दे दी, 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। इसमें आपको बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है। So we can say that one atomic mass unit is defined as exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12. Got it everyone? चलिए next बात करते हैं। अगला topic हमारा how do atoms exist?
यानी एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, कैसे बताएंगे? मैंने अभी आपको बताया कि एटम्स हमें दिखाई तो देते हैं जनरली, तो हम कैसे बताएंगे कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं? देखिए बच्चों, एटम्स की यदि हम बात करें, जैसे कि हमने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया, सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा, उसका वेट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्ट क्या होगा वहाँ पर आयंस में बदल जाएगा, वाटर क्या होगा उसमें आयंस में बदल जाएगा। तो हम यदि एटम्स को बताना चाहते हैं, सो एटम्स आर एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म, फर्स्ट वन इन द फॉर्म ऑफ आयन एंड सेकेंड वन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये दो फॉर्म होती हैं जिसमें एटम्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स नया वर्ड आ गया आपके पास। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंडेड टूगेदर। यानी मॉलिक्यूल्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है जिसमें दो या उससे ज्यादा एटम एक दूसरे से केमिकल बॉन्डेड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, ओजोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है। क्लियर है एवरीवन? इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन हम दूसरी और भी यूज करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सो वी कैन से दैट हाउ एटम्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। बच्चों मैंने एक केमिकल फॉर्मूला मैंने वाटर वाले ले लिया हूँ सबसे पहले आपको समझाने के लिए। किसी भी केमिकल फॉर्मूले की यदि हम बात करें, सो केमिकल फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी केमिकल फॉर्मूला फॉर्म होता है तो उसमें प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो उसकी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कि वो एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमोनिया गैस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो दीज आर द अनदर फॉर्मूले विच विल बी रिप्रेजेंट बाय द टू और मोर देन एलिमेंट्स। गॉट इट एवरीवन? इसके बाद बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों केमिकल फॉर्मूला आपने फॉर्म किया। बच्चों वाटर के फॉर्मूले से आपको क्या क्या पता चल रहा है? सबसे पहले पता चल रहा है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद पता चल रहा है कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के टू ऑक्सीजन के वन। उसके बाद हम इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ये भी बता सकते हैं कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके। इसके अलावा इसका हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं। सो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूले। मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारा फॉर्मूला बताता है। नंबर वन, फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। सबसे पहले क्या बताया जाता है? नेम ऑफ द सब्सटेंस। सेकेंड वन, फॉर्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। थर्ड वन, फॉर्मूला ऑल्सो प्रेजेंट वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। फोर्थ, फॉर्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी फॉर्मूला हमें क्या बताया जाता है? जितने एलिमेंट उसमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनके नेम। फिफ्थ वन, फॉर्मूला गिव्स द नेम ऑफ द एटम्स इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एंड लास्ट, फॉर्मूला रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस। सो दीज आर द सिक्स सिग्निफिकेंस विच इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला में इतनी सारी चीजें बताया जाता है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आप मुझे यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, दैट्स क्लास फॉर एनफ फॉर टुडे। ओके क्लास, गुड बाय।